साथ बोलेंगे सभी गौ माता की हमारी एकता जिंदाबाद। जितने यहाँ खड़े हैं जहां जहां तक आवाज जा रही हाथ उठा के नारे लगाओ पूरी ताकत के साथ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और ताकत से किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे कल भी हम जीते थे, कल भी तुम हारे थे। उस दिन आपने सर्वसम्मति से पंचायती फैसला लिया था कि हम पहले इस गेट के ऊपर बैठे, उसके बाद मुख्य गेट पर बैठे। लेकिन हमें 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, और बात सुनने की बजाय इसी दौरान धरने को आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी करी गई। मैं सबसे पहले तो गांव खेदड़ को और यहाँ के सभी क्रांतिकारियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो आंदोलन तोड़ने का सरकार का एजेंडा था उसको फेल करने का काम किया है, जो आपकी एकता का परिचय है। साथियों, हमारे बीच में पूज्य महाराज जी आए हैं, सभी साधु संतों का यहाँ की कमेटी की ओर से, धरने की ओर से, पंचायत की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और इनका आशीर्वाद आंदोलन को मिल रहा है तो हमारी जीत भी पक्की है। महाराज जी का और सभी साधु संतों का स्वागत कहनी है कि मजबूर होकर के, और एक जो अंतिम रास्ता हो सकता है, और जो इस प्लांट की सांस है, जहां पे प्लांट का दिल बसता है वो रेलवे ट्रैक है। और पिछली 30 जून को पंचायती रूप से कमेटी ने फैसला लिया, और आज हम भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं, और आंदोलन करके रहेंगे। साथियों, मेरी सबको प्रार्थना है, अभी मीटिंग शुरू हो रही है, और जो आपकी कमेटी फैसला करेगी, जो हमारी ड्यूटी लगाएगी, उसके ऊपर खड़े मिलेंगे। लेकिन दोनों हाथ उठा करके यह आश्वासन दो, अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, शांति रखेंगे, धैर्य रखेंगे। इसके अलावा एक बात और हम कहना चाह रहे, यहाँ पे सीआईडी के लोग सुन रहे हैं, और सरकार और प्रशासन के लिए अंतिम अल्टीमेटम है, अभी कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है बातचीत करने का, या तो बातचीत कर लो, नहीं तो मीटिंग के बाद जो फैसला लिया है, चाहे हमारा जो हो जाए, उस फैसले के ऊपर चलने का काम करेंगे। और हमारा काम है आंदोलन लड़ना, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। और हम रंजीत चौटाला को ये बात कहना चाह रहे, जब किसान आंदोलन चल रहा था और ये चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के राजनीति में आए, वोट मांगे, सरकार में बैठे, हमने एक बात कही थी कि भाई ये चौधरी देवीलाल का खून नहीं हो सकते, अगर ये खून है तो अपना डीएनए टेस्ट करवा लें, ये चौधरी देवीलाल का खून नहीं हो सकते, बात रंजीत चौटाला को बोली थी। और साथियों, यही बात कहना चाह रहे, पूरी ताकत के साथ एकजुट रहो, मजबूती के साथ लड़ेंगे, गाय और गौशाला को बचाने का काम करेंगे, या तो सरकार सीधे तरीके से मान जाएगी, नहीं तो अगर हमारा नाश होगा तो रणजीत चौटाला को भी छुपने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। साथियों, और पूरी ताकत से लड़ते रहो, हंसते हुए चेहरों के साथ, एकता के साथ, या तो बात सीधे तरीके से बन जाएगी, और नहीं तो भाई सरकार को गोला लाठी लगानी पड़ेगी। तैयार हो क्या सारे? तैयार हो तो डटे रहो। सबका धन्यवाद, और शांति सब बढ़ा के रखे, अनुशासन बढ़ा के रखे।